नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेप्स सिग्नल कम स्किनर बना है, उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। वो कल के लिए मतलब 27 मार्च, 27 मार्च 2020 के लिए मैंने इक्विटी बैंक इक्विटी इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाई लेवल सेल लेवल दिखाऊंगा। तीनों सेट्स ऑफ बाई लेवल सेल लेवल गन का कैलकुलेट गन लेवल्स गन एंगल गन डिग्री और गन स्क्वायर ऑफ नाइन मूरेस कैलकुलेशन इलियट वेव्स फिबोनाची लेवल्स ये सब बहुत सारा चीज़ दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाए। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी चार्ट एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी पूरा एनालिसिस करता हूँ, उसमें भी उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही ट्रेड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप लोग प्रॉफिट कमा सकता है। तो वो सब वीडियोस भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो फाइल है, इसको इस्तेमाल करके आप लोग बहुत ही आसानी से स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसीलिए आप लोग वो इसका जो हाउ टू स्क्रीन और इसमें क्या क्या है, ये सब वीडियोज़ भी आप लोग जरूर देख लीजिए। और YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग ये फाइल पूरा डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। सैम्पल फाइल, अपडेटेड फाइल आप लोग को नहीं मिलेगा। तो इसके आप लोग क्या क्या है और कैसे इसको स्क्रीनिंग करना, इसको कैसे आप लोग इस्तेमाल कर सकता है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो मैंने ये पूरा फाइल मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ, पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें आप लोग फ्री ट्रायल में ज्वाइन हो सकता है, उसका लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। और जो लोग आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू, अपस्टॉक्स और एंजल बुकिंग में ज्वाइन होना चाहता है, तो वीडियो का थ्रू में यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन का थ्रू में उसमें लिंक दिया हुआ है, उधर से ज्वाइन हो सकता है। और ये जो मैंने वीडियो बनाना हूँ, ये प्योरली एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज़, और इसमें आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए और ट्रेड करने के लिए आप लोग का फिनेंशियल कंसल्टेंट का परामर्श सलाह जरूर ले लीजिए। और मैंने इसमें NSM सर्टिफाइड हूँ बट सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इसीलिए आप लोग इसका इसमें से कोई आप लोग जो ट्रेड लेंगे और जो करेंगे तो आप लोग का फिनेंशियल कंसल्टेंट का परामर्श जरूर ले लेंगे। तो देखिए, मैंने बाई सेल लेवल में तीनों लेवल सेट ऑफ बाई सेल लेवल इसमें बनाता हूँ और बहुत सारा स्किनर भी है, तीनों सेट ऑफ बाई सेल लेवल 1, बाई सेल लेवल 2 और बाई सेल लेवल 3। इसके बाद इसका बहुत सारा इंडिकेटर्स है, पैरामीटर्स है, जो प्रोबेबिलिटी ई एम ए क्रॉस ओवर, इसमें बुक आउट, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, बहुत सारा ई एम ए का क्रॉस ओवर, ये सब इंडिकेटर देख के आप लोग आसानी से प्रॉफिट कमा मतलब ट्रेंड डिटरमिन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ भी लेवल आप लोग बहुत सारा लेवल्स है, उसको इकट्ठा करके जो लेवल सूटेबल लगेगा तो उसका उसमें आप लोग एंट्री ले सकता है। तो ये इसमें आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, मैंने जो 22 सेट ऑफ 22 लेवल बनाया हूँ, उसमें पहले ये जो 22 लेवल 1 है, उसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 4 बाएँ तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 1 दाएँ तरफ रहता है। सेल का भी ऐसा है। और इसमें कैसे एंट्री लेना है, गैप ओवर गैप डाउन जब होगा, कौन सा लेवल पे आप लोग को आए वो देखना देख लेना है, कौन सा लेवल पे है वो आप लोग को देख लेना है। उसके बाद आप लोग को देख के नेक्स्ट लेवल को देखना है या उसका नेक्स्ट लेवल में देखना है। आप लोग जो मेरा जो परफॉर्मेंस वाला वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, उधर मैंने चार्ट में समझाया है कैसे इसको प्रॉफिट आया, किस कैसे प्रॉफिट आया, उसमें चार्ट में समझाया, उसको आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे एंट्री लेना है। तो इसमें ये है, इसके बाद बाई सेल लेवल 2 है, ये है बाई सेल लेवल 2, और ये है बाय सेल लेवल 3। और ये है पिवट पॉइंट, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, मिड बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकता है,
प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू लोड कर सकता है, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। उसके बाद ये जो टीरन लेवल है इसका टॉप लाइन मिडिल लाइन और बॉटम लाइन का वैल्यू नोट कर सकता है, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। इसके बाद मैंने हम लोग को गन लेवल्स दिखाऊंगा, ये है गन डिग्री का लेवल्स, ये है गन एंगल्स का जो लेवल्स है। इसके बाद ये है गन स्क्वायर ऑफ नाइन का लेवल्स, R1, R2, R1S1, S2 ये सब सेल का लेवल्स है, R1, R2Y का लेवल है। और ये है मुरेस का लेवल्स, मुरेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसमें क्या है कि आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग को प्राइस हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट सपोर्ट बीच में रहता है, और S1, S2 ऐसे करके बहुत सारा लेवल्स है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है। तो इसमें क्या होता है कि सोच लीजिए 1216 या 1207 के बीच में है, तो आप लोग को शॉर्ट सेल करना है 1216 के लिए, और 1216 और 1225 के ऊपर होगा तो आप लोग को बाई करना है। तो इसे ऐसे करके आप लोग को समझ लेना है। और इसमें से देखिए गन टाइम एंड प्राइस स्क्वायर्स का हिसाब से कितना टाइम इधर लगता है ये मैंने बाद में दिखाऊंगा, ये आप लोग पहले देख सकता है, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने एंड ऑफ फर्स्ट सर्कल ये बनाया हूँ, तो ये बाद में दिखाऊंगा। तो इधर से जो गन डिग्री जो टाइम एंड प्राइस टाइम का जो कैलकुलेशन है, इधर ये कौन सा डिग्री पे है, गन का कौन सा डिग्री पे है वो, और रिवर्सल होने के में कितना टाइम लगता है लगेगा, मतलब लास्ट सेशन के वजह से लास्ट सेशन का हिसाब से तो ये इधर दिखा है। तो ये आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और मार्केट में काम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जब लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा इसको फिर से, वो भी आप लोग को दिखाएगा। इसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा, निफ्टी का और बैंक निफ्टी, जब मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो फाइल जो मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ऑब्जर्व एनालिसिस किया था, तब आप लोग को बहुत सारा लेवल दिखा था, अभी ये और भी लेवल्स दिखाता हूँ। ये बाइसेल लेवल्स 1, ये है बाइसेल लेवल 2, इसके बाद बाइसेल लेवल 3, गन एंगल्स का भी दिखा दूंगा, बाइसेल लेवल 3 गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे को पूछ सकता है, कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकता है। और कुछ लेवल्स सोच लीजिए आप लोग को कुछ लेवल्स देखा और नहीं मिला है को ऐसा कुछ है तो मेरे को ज़रूर इंफॉर्मेशन दे देंगे, तो मैंने देखूंगा उसको। यह है मुरेस लेवल, और इसका प्रोबेबल रिवर्सल टाइम भी आप लोग इधर से देख सकता है, प्रोबेबल रिवर्सल टाइम कितना लग सकता है, मतलब रिवर्सल मतलब जो बड़ा चेंज जो आएगा तो उसका मैंने बात कर रहा हूँ। हो सकता है गैप अप गैप डाउन हो गया उसके बाद उसका वो दूसरा बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा देख लेना है। और यह है 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, यह है कि आज का जो कैंडल को जो आज का डेली कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज जो काट किया है जिस स्टॉक्स का, वो कल जब इसका हाई लो तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ये भारती एयरटेल में काट किया है, ये बायोकॉन में हुआ है, इसमें कैडिला हेल्थ में हुआ है, इसमें डीवी स्लैब में हुआ है, और अभी तक नहीं दिखा पाऊँगा, और भी कुछ दिखाना है। आप लोग मेरा इसमें ज्वाइन होके फ्री टाइम के लिए ज्वाइन होके आप लोग देख सकता है। इसके बाद मैंने इनसाइड द बार NR4 NR7 दिखाऊंगा। तो देखिए वन डे का हिसाब से ये अदानी पोर्ट में ये वन डे का हिसाब से इनसाइड द बार भी है प्लस NR4 भी है, और इधर अपोलो टायर में NR4 NR7 बना है, और इधर एशियन पेंट में NR4 NR7 बना है, वन डे का हिसाब से बना है इनसाइड द बार बायोकॉन में, और NR4 NR7 भी हुआ है, इधर BPCL में NR4 NR7 हुआ है। और भी कुछ दिखाता हूँ कौन सा कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ है, इधर लोअर हाई लोअर लोस कोल इंडिया में दिख रहा है, लगातार 3 दिन से लोअर हाई लोअर लोस, इसको थोड़ा सा मैंने
calculate or equivalent. इसके बाद दिखता है पॉजिटिव हैमर बना है, जज डायल में इन्वर्टेड हैमर बना है, जुबिलियन फूड में और लूपिन में लोअर हाई लोअर लोस। उसके बाद और क्या कैंडल स्टिक पैटर्न और भी बहुत सारा है, आप लोग समझ सकते हैं नीचे बहुत सारा चीज़ है आप लोग, लेकिन मैंने सबको नहीं दिखा पाता हूँ। ये मास्टर लॉन्ग इसमें इतना स्टॉक्स में मास्टर लॉन्ग बना है, इस स्टॉक्स में मास्टर शॉर्ट बना है, मास्टर R1 लॉन्ग, ये भी आप लोग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी इसका आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बुलिश एनगल्फिंग बना है, इसमें सेकआउट बना है, ये आप लोग देख सकते हैं 50-50, और इधर बुलिश रिवर्सल तो दिख नहीं रहा है, बियरिश रिवर्सल दिख रहा है, बियरिश रिवर्सल कुछ दिख रहा है, और इधर किकर सिग्नल ये सिप्ला में बना है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है किकर सिग्नल। और चलो को पैटर्न देखने के आता है, उसमें ड्रग का कवर कुछ नहीं निकला है, ट्रायंगुलर पैटर्न ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट, और ये बायकॉन में सिप्ला में अब बना है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बियरिश, ये भी इम्पोर्टेंट है, फ्लैग पैटर्न कुछ नहीं बना है शायद, फ्लैग पैटर्न कुछ नहीं निकला है, और बट डबल पैटर्न डबल टॉप ये सब नहीं बना है, बटरफ्लाई भी नहीं बना है। ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए फिर मैंने ये कुछ स्टॉक्स में मैंने आप लोग को दिखा देता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने फिर बैंक निफ्टी में दिखा दिया है, इसका पूरा लेवल्स आप लोग को दिखा दिया था, तो अभी वो देखने का कुछ मतलब नहीं है। इस इधर से फिबोनाची का जो लेवल्स है 7 दिन का हिसाब से, 5 दिन का हिसाब से, 3 दिन का हिसाब से, 2 दिन का हिसाब से, 1 दिन का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से और 1 ईयर का हिसाब से, ये सब आप लोग देख सकते, मतलब बैंक निफ्टी में सब स्टॉक्स में तो दिखाने का संभव नहीं होता है, इसमें आप लोग को पूरा फाइल देना पड़ेगा। और इधर CPR का भी ऐसा बना है, उसके बाद फिबोनाची का जो एंट्री लेवल है, फिबोनाची का वोलेटिलिटी बेस्ड जो है, ये फिबोनाची का लेवल्स है, ये वोलेटिलिटी लेवल्स वोलेटिलिटी बेस्ड गन एंगल्स का लेवल्स है, R1, R2, R3, S1, S2, S3 ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी का देखा चुका हूँ, और इसीलिए बैंक निफ्टी का नहीं दिखाता हूँ इस टाइम। और ये है गन डिग्री का, और ये है फिबोनाची 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये स्टॉक्स वाला आप लोग देख सकता है, और ये जो जो स्टॉक्स में अभी स्क्रीन में दिखा रहा है, और इसमें इलियट वेव का है, इसका प्रोबेबल चेंज इन टाइम दिख रहा है अप ट्रेंड एंड करेक्शन का, और इलियट वेव का डाउन ट्रेंड एंड करेक्शन का वो भी दिख रहा है, और ये भी लेवल आप लोग देख सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, अभी ये वीडियो मैंने अभी ख़त्म कर रहा हूँ, और कुछ दिखाने का नहीं है, तो बाद में आप लोग को कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।